हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, फिर उससे रिलेटेड जितने टॉपिक आएंगे उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, और कोशिश करेंगे उससे भी ज़्यादा हम लोग आज इस वीडियो में जितना हो सके कवर कर सकें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की एक इकाई होती है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? न्यूक्लिक एसिड इज अ बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स होता है विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है, जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं, और किसके फॉर्म में पाया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं न्यूक्लिक एसिड इज अ बायो मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में पाया जाता है, ऑफ ऑल लिविंग सेल्स, जो सारे लिविंग सेल्स में रहते हैं, और इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में ये पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड आर ऑल्सो नोन एज पॉली न्यूक्लियोटाइड। पॉली न्यूक्लियोटाइड इनको कहा जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज अ ट्राई पॉलीमर इन विच रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट। ठीक है, बायो पॉलीमर्स जो होते हैं वो अपने ही स्ट्रक्चर को रिपीट करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियो प्रोटीन, जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। तो इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, जो तीन प्रकार के, तो न्यूक्लियोटाइड के जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन भस्म जिसको नाइट्रोजन वेस्ट भी कहा जाता है, और उसके बाद है आपका फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। तो जो पेंटोज जो शुगर है, पेंटोज शर्करा जिसको कहा जाता है, इसमें जो कार्बन के पांच परमाणु होते हैं, कार्बन के यहाँ पांच परमाणु होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड में यह एक शर्करा या वलय का रिंग जो निर्माण करता है, जिसको फ्यूरोज रिंग कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्यूरोज रिंग, इसको फ्यूरोज रिंग कहा जाता है। इसमें जो पहला जो कार्बन, जो पहला कार्बन चौथे कार्बन परमाणु के साथ, ऑक्सीजन के परमाणु के साथ जुड़कर एक पंचभुज जो वलय या रिंग का निर्माण करता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया पंचभुज रिंग का निर्माण करता है। और पेंटोज शर्करा में दो प्रकार के राइबोज होते हैं। देखिए, ये जो राइबोज होते हैं ये राइबोज है, और जब यहाँ से ये जो ऑक्सीजन को यहाँ से रिप्लेस कर, हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाता है, ऑक्सीजन रिप्लेस कर देता है, तो ये हो जाता है डीऑक्सी। ठीक है, ये डीऑक्सी राइबोज। तो ये दो प्रकार के राइबोज से मिलकर बना होता है, जिसको डीऑक्सीराइबोज शर्करा या डीऑक्सीराइबोज कहा जाता है। ये राइबोज है और ये डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बस क्या है कि स्ट्रक्चर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोक्सिल था वहां पर हटा के यहाँ एच, यहाँ पर एच लिखेंगे तो ये आपको इजी होगा याद करने में। ठीक है, तो इसमें जो पेंटोज शुगर में क्या क्या होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन नाइट्रोजन भस्म जिसको कहा जा सकता है, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, नाइट्रोजन भस्म बेस में क्या है, ये दो प्रकार का जो होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन से मिलकर बना होता है। ये दो प्रकार का प्यूरीन और पिरिमिडीन होता है। अमीनो यौगिक के रूप में अमोनिया पाया जाता है, इसमें अमीनो यौगिक के रूप में अमोनिया पाया जाता है। प्यूरीन और पिरिमिडीन का जो आधार होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो प्यूरीन का जो विषम चक्रीय जो वलय होता है, यानी विषम चक्रीय रिंग जो बनाता है, निर्माण करता है, वो पिरिमिडीन के एक विषम चक्रीय वलय के रूप में होता है। पिरिमिडीन के तीन प्रकार के होते हैं, जैसे साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, और प्यूरीन दो प्रकार का होता है, एडेनिन और ग्यूनिन। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं याद रखने के लिए, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, प्यूरीन में जो थ्री जो एडोनिन एडोसिनिन और ग्यूनिन जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे प्योर एज अ सिल्वर। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्यूरीन में क्या होते हैं, एडोनोसिन और ग्यूनिन, तो एजी से हो गया। और उसके बाद पिरिमिडीन में आप जैसे इसको इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि CUT से आप इसको याद रख सकते हैं, साइटोसिन, और यू से यूरेसिल, और टी से थायमिन। तो इस तरह से आपको याद रखने में सुविधा होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, ये इस तरह के स्ट्रक्चर का जो निर्माण करता है अमीनो यौगिक के रूप में, नाइट्रोजन भस्म के जो दो प्यूरीन और पिरिमिडीन होते हैं, ये क्या होते हैं, प्यूरीन में प्यूरीन का जो आधार होता है वो है
एडोनोसिन और ग्यूनेन, और पिरिमिडिन्स का जो आधार होता है वो क्या है, थायमिन है, यूरेसिल है और है साइटोसिन। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रख सकते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इस तरह से याद रखेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद जो फास्फोरिक जो अम्ल था, ये दोनों में पाया जाता है। फास्फोरिक अम्ल के जो तीन हाइड्रोक्सिल मूलक थे वो समूह एक साथ फास्फोरस के साथ जुड़कर एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ जुड़े रहते हैं। जो पेंटोज शुगर के दो परमाणु जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिल मूलक के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो फास्फोरिक जो अम्ल है वो न्यूक्लिक अम्ल के साथ अम्लीय को प्रकृति का प्रदान करता है, और आरएनए में साइटोसिन और यूरोसिल, पिरिमिडिन प्रकृति का एवं एडिनिन और गुआनिन प्यूरिन प्रकृति का होता है, और डीएनए में एडिनिन गुआनिन और गुआनिन प्यूरिन प्रकृति का, और साइटोसिन और थायमिन पिरिमिडिन प्रकृति का होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आरएनए के जो स्ट्रक्चर में एडेनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और डीएनए के स्ट्रक्चर में यहाँ पर देखिए क्या एब्सेंट है, यहाँ पर एब्सेंट है हमारे पास एडेनोसिन हो गया, गुआनिन हो गया और साइटोसिन और यूरेसिल हो गया, यहाँ पर थायमिन एब्सेंट था, ठीक है, आरएनए में। और उसके बाद डीएनए में क्या है, यूरेसिल एब्सेंट रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में, एमसीक्यू क्वेश्चंस में इस तरह से भी आते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट रहता है आरएनए और डीएनए में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं। कुछ जो मोनोसेक्राइड्स है, जैसे हमने आगे पढ़ा है, कुछ मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं वो ग्लूकोसिडिक बॉन्ड में या लिंकेज में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। जिस कार्बोहाइड्रेट के साथ जुड़े हुए रहते हैं उसको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। जैसे दो से जो मोनोसेक्राइड्स वाले होते हैं, 2 से 8 मोनोसेक्राइड्स वाले कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसेक्राइड्स कहा जाता है, ठीक है। 2 मोनोसेक्राइड्स को हम लोग डाइसेक्राइड कहा जाता है, जिसे सुक्रोज कहा जाता है, जिसमें केन सुगर आता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा जो माल्टोज में माल्ट, लैक्टोज में लैक्टोज दूध में पाया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। जो 3 मोनोसेक्राइड्स वाले जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसको ट्राईसेक्राइड्स कहा जाता है, जैसे कि रेफिनोज हुआ, रेबिनोज हुआ, मोनोट्राइनोज हुआ, ये इसको हम लोग जो जो 3 वाले होते हैं, तो 3 सेक्राइड्स वाले को हम लोग कहेंगे ट्राई सेक्राइड्स। उसी तरह से वह जटिल कार्बोहाइड्रेट जो 6 से अधिक मोनोसेक्राइड्स का बना होता है, जो 6 से ज़्यादा बने होते हैं, उनको हम लोग पॉलीसेक्राइड्स कहा जाता है, जैसे कि ग्लूसन, ग्लाइकन, जिस पॉलीसेक्राइड्स के में एक समान मोनोसेक्राइड्स होते हैं, मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, जिस पॉलीसेक्राइड्स में एक प्रकार के एक समान मोनोसेक्राइड्स होते हैं, उनको हम लोग होमोग्लाइकॉन कहा जाता है, ठीक है। और उसे होमोग्लाइकॉन जिसमें विभिन्न प्रकार के मोनोसेक्राइड्स होते हैं उसको हम लोग हेट्रोग्लाइकॉन कहा जाता है, जैसे कि स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज, इन्यूलिन। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, और आपको याद थोड़ा सा करेंगे, ध्यान देंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या हो सकता है, हम जितना भी खाना खाते हैं, जो भी खाते हैं, जो भी अनाज वाले चीज खाते हैं, जितने भी, जैसे चावल, गेहूं, मक्का, ये सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स होते हैं। जैसे सभी प्रकार के फल और सब्जियों में भी पाए जाते हैं, दूध, शहद, मछली, मांस इत्यादि में भी कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हमें मिल सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स का भूमिका क्या हो सकती है, इसका रोल क्या हो सकता है हमारे शरीर में, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह हमारे शरीर को क्या करता है, ऊर्जा देता है, उष्मा देता है, यह शरीर के ताप को भी नियंत्रित करता है, और आवश्यकता से अधिक होने पर वसा में परिवर्तित होकर शरीर में जमा हो जाता है, तो ये फैट के रूप में जमा हो जाता है। आप यदि ध्यान दिए होंगे कि आप मान लीजिए किस दिन आपको भोजन नहीं मिलता है या फास्टिंग रखते हैं, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट जो वसा के रूप में जो जमा होता है वो शरीर के बाकी क्रियाओं में, वो हम लोग तो कुछ खाते नहीं है तो फिर हमें कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी कहाँ से मिलेगी। तो यही जो जो वसा के रूप में जो जमा होता है वही हमें फिर से वो अपने काम में लगा दिया जाता है शरीर में, और उसी से हमें एनर्जी और ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये एक वसा यानी फैट के रूप में भी शरीर में जमा रहता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, जो सभी जीवधारियों यानी कि जितने भी प्राणी हो, मनुष्य हो, उनके परिवहन योग्य ईंधन यानी फ्यूल का निर्माण करता है, जिसे कि जिसका परिवहन रक्त के द्वारा होता है,
ठीक है। और अधिक ग्लूकोज प्राणियों में ग्लाइकोजन में बदलकर मांसपेशियों और यकृत, जिसको लीवर कहा, लीवर सेल्स में जाकर ये संग्रहित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। मनुष्य में यह पाया गया है कि जैसे लंबे समय तक प्रोटीन के बिना केवल कार्बोहाइड्रेट पर भी आप जीवित रह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट पर भी आप जीवित रह सकते हैं, जिसको प्रोटीन स्पेयरिंग फूड भी कहा जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन स्पेयरिंग फूड भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं प्रोटीन पर। व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो कि प्रेजेंट होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। प्रोटीन्स हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स लिंक्ड बाई पेप्टिक बॉन्ड, जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ये जो लिंक्ड बाई जो पेप्टिक बॉन्ड से लिंक्ड होता है। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स, जो कि पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, एक प्रकार के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, और अल्टीमेटली ये प्रोटीन्स ही होते हैं। ठीक है, दे आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडीज, ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स हैं हमारे बॉडीज के, एंड वाइटल फॉर फिजियोलॉजिकल फंक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस, टिश्यू रिपेयर और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी ये काम करते हैं। तो अमीनो एसिड्स की बहुत काम है। अमीनो एसिड जो बना होता है, एक अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट फॉर्म पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, और ये अल्टीमेटली प्रोटीन्स ही होते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोटीन के कितने प्रकार होते हैं। प्रोटीन को जिस तरह से उनके फंक्शन के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है, जैसे सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव प्रोटीन। तो सिंपल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसमें केवल अमीनो अम्ल द्वारा ही गठित होते हैं, उनको सरल प्रोटीन या सिंपल प्रोटीन कहा जाता है, जैसे कि अल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, गुलेटिन्स, हिस्टोन्स और प्रोटामिन्स। इसको हम लोग कैसे याद रख सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, जैसे सिंपल प्रोटीन क्या है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या है और डिराइव प्रोटीन क्या है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जिनमें प्रोटीन अणुओं का संयोजन किसी अन्य अणुओं के साथ भी किसी अन्य अणुओं के जो प्रोटीन ना हो उनके साथ होता है, यानी कि प्रोटीन किस ऐसे अणु के साथ जुड़ा होता है, किसी ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा होता है जो प्रोटीन नहीं होता है, उसे हम लोग कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहते हैं। जिसे कि नॉन प्रोटेनियस भाग को प्रोथेसिक ग्रुप भी कहते हैं। ये होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन, ये हो सकते हैं। और डिराइव प्रोटीन क्या हो सकते हैं? वो प्रोटीन जो जल के आंशिक विघटन से प्राप्त होता है, जल के आंशिक डिकम्पोजिशन से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिराइव प्रोटीन कहते हैं। जैसे कि पेंटोस, पेप्टियोज, ये सब डेराइव प्रोटीन। प्रोटीन इनके के सोर्सेस सोर्सेस क्या है कि प्रोटीन का सोर्स 2 प्रकार, या तो ये एनिमल्स भी हो सकता है, पौधे से भी हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। हम सभी जानते हैं कि पौधों में जैसे सोयाबीन, मटर, मूंग, चना, अरहर और गेहूं, जौ, मक्के, ये सब जिसका छिलका, बार्ली, ये सब में ये पौधों वाले प्रोटीन हुए। और एनिमल्स में दूध, घी, अंडा, मांस, मछली, ये सब एनिमल्स प्रोटीन्स में आते हैं। जो जितने भी दाल है, सोयाबीन, जो सोयाबीन का नाम कहा जाता है ना, तो सोयाबीन जो प्रथम श्रेणी का प्रोटीन कहा जाता है, और यदि सभी दालों को मिला के बनाएंगे तो वो भी प्रथम श्रेणी के प्रोटीन आते हैं, लेकिन यदि आप अलग अलग बनाते हैं तो वो द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन में आते हैं। ठीक है, प्रोटीन का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है? इंपॉर्टेंस और फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स हमारे शरीर पे क्या करता है? तो यह शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं का क्षतिपूर्ति और नए ऊतकों का निर्माण में बहुत सहायता करता है, नए जो टिश्यूज बनाते हैं ये। उसके बाद ये जीव द्रव्य के निर्माण में भी भाग लेता है, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं, ये शरीर के वृद्धि में भी भाग लेता है, और इससे हमें एनर्जी और ऊष्मा भी प्राप्त होती है, यानी एनर्जी और हीट की भी हमें प्राप्ति होती है। इससे एंजाइम्स और हार्मोन्स का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो आज हम लोग सिर्फ यहाँ तक रहने देते हैं,
उसके बाद हम लोग लिपिड से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये छोटे छोटे टॉपिक है, वीडियोस लंबा ना हो इसलिए छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से समझाने का फिर भी हो ही जाता है। आप लोग देखिएगा, मैंने कोशिश किया है आप लोग को अच्छे से समझाने की, फिर भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।